नमस्कार। पिछली क्लासेस में हमने पाई डायग्राम, बार डायग्राम, लाइन डायग्राम उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम एक इम्पॉर्टेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और है जिसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हिस्टोग्राम होता क्या है और किस प्रकार से ये बनाया जाता है। हिस्टोग्राम के साथ साथ में ही हम लोग फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन तथा फ्रिक्वेंसी कर्व के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, हिस्टोग्राम होता क्या है। अ हिस्टोग्राम इज एसेंशियली अ बार ग्राफ ऑफ ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप ये देखिए, ये बेसिकली बार ग्राफ ही होता है, लेकिन किसका होता है, ये जो सतत जो सारणी होती है ना, फ्रिक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनका यदि हम लोग बार ग्राफ बनाएं तो उसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। तो जो बार डायग्राम है वो तो सिंपल आपके इंडिविजुअल सीरीज तथा असतत सीरीज का होता है, जबकि हिस्टोग्राम आपका सतत सारणी का होता है। इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फॉर इक्वल एज वेल एज अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। और इसका जो निर्माण है, हम लोग यदि समान क्लास इंटरवल हो अथवा असमान क्लास इंटरवल हो, उन दोनों से जो हिस्टोग्राम को बनाया जा सकता है। एरिया ऑफ एनी रेक्टेंगल ऑफ हिस्टोग्राम इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। और यदि हम इसका एरिया देखें बेसिकली, उसकी बेसिकली हम लोग लंबाई देखें बेसिकली, ठीक है, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, उस क्लास की फ्रिक्वेंसी अर्थात उसकी बारंबारता के प्रोपोर्शनल होती है। तो जो आपका एक्स एक्सिस है उसके ऊपर तो क्या आ गया, आपका क्लास इंटरवल आ गया, और जो वाई एक्सिस है उस पर क्या आ गया, आपकी फ्रिक्वेंसी आ गई, यानी बारंबारता को हमने क्या किया, वाई एक्सिस के ऊपर नोट कर दिया। अब वाकई में इस हिस्टोग्राम की आवश्यकता क्यों होती है। When data are given in the form of frequencies, जब डाटा को हम लोग, यदि डाटा हमको किस फॉर्म में मिले, बारंबारता के फॉर्म में मिले। When class interval has to be displayed by a diagram, और जब क्लास इंटरवल को हमको एक डायग्राम के द्वारा डिस्प्ले करना हो, उसको डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित करना हो। When we need to calculate the mode of a distribution graphically, और जैसे ही हमको ग्राफ को यदि हम देखें, यदि उस डायग्राम को हम यदि देखें, तो उससे हमको आसानी से मोड कैलकुलेट किया जा सकता हो। और यदि मान लो अपन जैसे हम उसको देखें तो क्या होगा, जैसे उसकी बारंबारता, जिसकी भी क्लास की बारंबारता सबसे ज़्यादा है वो मोड होगा, तो मोड को भी यदि हम लोग उस ग्राफ को देखने से ही हम लोग मोड का कैलकुलेट भी हम इससे कर सकते हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स के बेस पे हमको हिस्टोग्राम की आवश्यकता पड़ी। पहली बात, डाटा को यदि फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में दिया गया हो और क्लास इंटरवल जो हो वो एक डायग्राम के द्वारा डिस्प्लेड हो, और हमको क्या करना हो, मोड यदि हमको इसको इससे कैलकुलेट करना हो, तो उस केस में हमको हिस्टोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। अब सबसे पहली बात, हिस्टोग्राम बनाया कैसे जाता है। तो ये देखिए, आप एक डाटा अपने को दिया हुआ है जिसमें है ना जो क्लास इंटरवल है, जो कि है ना जो वो क्या है, हाइट इन सेंटीमीटर। तो क्लास इंटरवल है 155 to 60, 160 to 165, 165 to 70, ठीक है। और इस प्रकार से इनकी जो इन क्लास इंटरवल की जो वो है, उनकी बारंबारता कितनी है, 3 है, इसमें बारंबारता 2 है, इधर बारंबारता 9 है, इधर बारंबारता 7 है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, आपको क्लास इंटरवल है जिसका क्या है कि हाइट इन सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई इसमें सेंटीमीटर में दी हुई है ये, तो ठीक है, 155 से लेकर के 195 तक है ना जो हाइट है, और इनको 5-5 के वर्ग अंतराल में इनको बांटा गया है, और उसमें ठीक सामने जो लोगों की संख्या है वो बारंबारता के फॉर्म में दी हुई है। तो अब हम क्या करना, हमको जो आपका ग्राफ पेपर है उस पर क्या करना, हमको एक्स एक्सिस पे तो क्या किया आपने, हाइट कर दी 155, देन 60, देन 65, देन 70, देन 75, है ना, 175, 180, 185, इस तरह से आपने क्लास इंटरवल इसमें लिख दी। अब आप ये देखिए, इसमें देखो 155 से 160, ये आ गए एक, ठीक है। इस क्लास इंटरवल की बारंबारता कितनी है, 3 है, तो आपने क्या किया, यदि ये देखिए वाई एक्सिस पे क्या किया आपने,
बारंबारता कर दी। बारंबारता में जैसे आपने एक बड़े खाने में बराबर क्या किया, दो कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए दो हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये तीन, तो तीन को मार्क कर दिया, इसको आपने क्या किया, एक पूरा ग्राफ इससे बना दिया, ठीक है। अगेन 160 से 165 में ये 2 आ गया, फिर 165 से 70 में ये 9 आ गया, ठीक है। तो आपने क्या किया, 155 से 160 में 3 बारंबारता, 160 से 165 में 2 है, 165 से 170 में अगेन 9 है, ये देखिए आप 8 और 9, ठीक है, और 170 से 175 में 7 है, ठीक है, 175 से 80 में 10 है, और 180 से 185 में 5 है, अगेन 5 है, और अगेन 1 है। इस प्रकार से आपने क्या किया, हिस्टोग्राम का निर्माण कर लिया और इनको आपने उकर लिया है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, देखो आप ये बार डायग्राम है, लेकिन ये आपस में दोनों एक, ये बार डायग्राम क्या है, आपस में जुड़े हुए बार डायग्राम है। क्यों, क्योंकि इसमें आप क्या दे रखा, आपका वर्ग अंतराल दे रखा है, और वर्ग अंतराल को आपने क्या किया, कंटिन्यूसली आपने एक्स एक्सिस पे अरेंज कर दिया। इस प्रकार से जो आपके जो डायग्राम बना उसको हमने क्या कहा, हिस्टोग्राम कहा। अब अगला फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता क्या, बेसिकली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज एसेंशियली अ लाइन ग्राफ। We can get it from a histogram if the midpoints of the upper bases of the rectangles are connected by straight lines। और इसको हम histogram से भी प्राप्त कर सकते हैं यदि histogram का midpoint हो। अभी आगे बताऊंगा क्या होता है midpoint को, upper base जो हो उसका बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा हो, उसका midpoint को अपन यदि सारे midpoint को हम यदि आपस में मिला ले straight line से, तो उससे जो graph का निर्माण होता है उसको हम कहते हैं frequency polygon। बट इट इज़ नॉट असेंशियल टू प्लॉट हिस्टोग्राम फर्स्ट टू ड्रॉ इट, और यदि हम इसको बिना हिस्टोग्राम के द्वारा भी बना सकते हैं, और वी कैन कंस्ट्रक्ट इट डायरेक्टली फ्रॉम ए गिवन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और जैसा मैंने बताया आपको कि इसको सीधा हम लोग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से भी बना सकते हैं। अब ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, व्हेन डाटा आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, सेम वही बात हिस्टोग्राम वाली, व्हेन टू और मोर ग्रुप्स हैव टू बी डिस्प्लेड इन वन डायग्राम, व्हेन टू और मोर ग्रुप्स आर टू बी कंपेयर्ड। तो बेसिकली जो हिस्टोग्राम में जो बात थी वही इसमें है कि जब दो और या दो से ज्यादा ग्रुप को एक ही डायग्राम में डिस्प्लेड किया जाए, व्हेन टू और मोर ग्रुप्स आर टू बी कंपेयर्ड, जब दो या दो से ज्यादा ग्रुप को आपस में कंपेयर किया जाए, तो उस स्थिति में हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की आवश्यकता होती है। अब इसको कैसे बनाया जाए, जैसे मैंने बताया आपको कि दो तरीके हैं, एक तो हिस्टोग्राम बना करके, एक विदाउट हिस्टोग्राम बना करके। तो विदाउट हिस्टोग्राम में आप ये देखिए, जैसे ये आपका हाइट दी हुई है, वही डाटा है आपके 152 154 154 से 158, और इनकी है ना जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10 15 20 12 8, ये दी हुई है। अब सबसे पहले तो क्या करना हमको, इसका मिड वैल्यू निकालना है। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम इस लोअर लिमिट तथा अपर लिमिट दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करे बाद में दो से डिवाइड कर देंगे, तो दो से डिवाइड करने में मिड वैल्यू आ गई आपकी 152, ठीक है, 150 प्लस 154। यहाँ पे आपने 154 प्लस 158, मिड वैल्यू आ गई 156, देन इसकी 160, देन 164, देन 168। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, एक्स एक्सिस पे आपको ये जो क्लास इंटरवल है वो लगा देना आपको, जैसे 150 154, जैसे आपने हिस्टोग्राम में लगाया था सेम उसी तरीके से आपको लगाना है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि सबसे पहले जैसे ये आपका इसके अंदर कितना है, 10 है। अब इसके जो मिड पॉइंट है ना, मिड वैल्यू जो है उसके ठीक कॉरस्पॉन्ड, ये देखिए ये आपका ये 152 मिड वैल्यू आ गया, इसके ठीक कॉरस्पॉन्ड आपको यहाँ से इस जगह पे एक डॉट लगा देना, ये 10 के सामने बिल्कुल, ठीक है। फिर आपका अगले वाले में 156 में अगेन ये 15 पे आपने डॉट लगा दिया, ठीक है। देन अगेन 158 से 162 यहाँ पे अगेन 160 के ठीक सामने आपने क्या किया, 20 पे डॉट लगा दिया, ये 160 यहाँ पे 158 से 162 के बीच में ये 160, इस पे 20 पे आपने डॉट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से आपने 12 पे डॉट लगाया 164 के कॉरस्पॉन्ड में,
और यहाँ पे अगेन 168 के कॉरस्पॉन्ड में 8 पे डॉट लगाया। अब आपको क्या करना है, इन डॉट को यहाँ वाले लाइन से आपको मिला देना है। बिल्कुल मिलाना कैसे है, स्केल लेकर के स्ट्रेट लाइन बनानी है आपको इसमें, ठीक है। स्ट्रेट लेकर के स्केल लेकर के स्ट्रेट लाइन मिला दी आपने, और इस प्रकार से जो डायग्राम बना वो फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं हम इसको, ठीक है। अब इस वाले में हिस्टोग्राम से किस प्रकार से बनाया जाता है, हिस्टोग्राम अपने को ठीक उसी तरीके से बनाना है। अब हिस्टोग्राम का देखो, ये मिड पॉइंट है, इनको अपन मिला देंगे, यहां से इसको मिलाया, फिर यहां और ठीक यहां पे मिला दिया आपने, ठीक है, इस एक्स एक्सिस पे मिला दिया। तो हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट से आपने इन दोनों इनको सबको मिला दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने हिस्टोग्राम के बाद में भी हम हिस्टोग्राम से भी हम क्या कर सकते हैं, इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बना सकते हैं। अब आपका फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कर्व इज अनदर टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। देन टॉप पॉइंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आर जॉइंड नॉट बाय स्ट्रेट लाइन बट बाय कर्व्ड वन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज ड्रॉन यूजिंग स्केल व्हाइल फ्रीक्वेंसी कर्व इज ड्रॉन यूजिंग फ्री हैंड। हमने जो मैंने बताया आपको पिछले वाले में अपने मिड पॉइंट मिलाए बाद में क्या किया था, अपने स्केल से लाइन खींची थी, इसमें अपने को स्केल यूज नहीं करनी है, हमको फ्री हैंड से क्या करना है, उन लाइंस को मिला देना है। तो उस केस में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ना आकर के लाइन कैसी आएगी, कर्व्ड वाली लाइन आएगी। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व क्यों हुआ, व्हेन द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल आर वेरी लार्ज, दैट इज विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल आर वेरी स्मॉल एंड द टोटल नंबर ऑफ सैंपल वैल्यूज बी इंक्रीज्ड इनडेफिनेटली। ये देखिए आप, ये तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, यहाँ पे देखिए आप ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ये देखिए आप फ्रीक्वेंसी कर्व है, उसमें क्या किया अपन ने हाथ से लाइन खींच दी जो कि कर्व्ड है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, इन मिड पॉइंट्स को हाथ से लाइन खींच करके उनको मिलाया है, इसमें जो लाइंस है वो स्ट्रेट ना होकर के कर्व्ड है, इस वजह से हम इसको फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। यहाँ पे अगेन देखिए आप, ये अपन ने हिस्टोग्राम बनाया, हिस्टोग्राम से ये तो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया, और यहाँ पे आप क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी कर्व हो गया। तो ये दोनों कर्व इन दोनों में शामिल है, ये फ्रीक्वेंसी कर्व है और यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। सो धन्यवाद, आज हमने ना जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को पूरा कर दिया है, आपको अपनी कॉपी में प्रैक्टिकल जो कॉपी है जिसमें एक लाइन आपकी एक पेज एक तरफ ना जो खाली पेज है, एक तरफ आपका लाइन वाला डायग्राम है, उस कॉपी में आपको ये जो आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाले जो सारे जो एग्जांपल है जो मैंने आपको बताए हैं, आपका पाई डायग्राम है, हिस्टोग्राम है, बार डायग्राम में भी डिफरेंट तरह के बार डायग्राम है, लाइन डायग्राम है, इनको आपको अपनी कॉपी में बनाना है। धन्यवाद।